देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आओ भीमराव, तुमने चाल में मुझे अपमानित होने से बचाया, ये मुझे अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम भी वकील बनने वाले हो, है ना? तो ज्ञान तो चाहिए ना? हाँ जी, हाँ सर, ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। अगर आप कुछ सकारात्मक बातें बताएंगे तो मैं जरूर ग्रहण कर लूंगा। बताइए भाई। वाह, तो सुनो, तैयारी सबसे बड़ी चीज है। जो तैयारी मैंने की है, जीजा भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे गुरुजी हैं। तो मैंने सबसे पहले ये पता करवाया कि तुम्हारे गुरुजी बंबई से बाहर कब जा रहे हैं, और इत्तफाक से वो बाहर हैं। यकीन मानो, अगर वो यहां होते तो मैं उनके बाहर जाने का इंतजार करता। बड़े वकील हैं, बाहर आना जाना लगा रहता है। तुम उन्हीं के पास जाने वाले थे ना? वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या समझे? तैयारी पूरी होनी चाहिए। अरे बोलो धन्यवाद, अगर हमने तुम्हें सकारात्मक सिखाया हो तो। धन्यवाद। काम हो गया? जी सर। चलो धन्यवाद बोला है तो तुम्हें एक बात और बता देता हूं। तो जाओ, जाकर के अपने बाबा को देखो। बाबा? मेरे बाबा को क्या हुआ? जाकर देखो तो सही। बेचारा राम जी। प्रचंड देव जी, ये तो बड़े कमाल का वकील है। ये अच्छी तरह से बर्बाद कर देगा भीमराव के पूरे परिवार को। निकलिए यहां से, आप सब लोग निकलिए यहां से। सुनाई नहीं दे रहा है, निकलिए यहां से। क्यों जाए राम जी? हम समाज में औरतों की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं, और आपके यहाँ एक औरत के साथ ज्यादती हुई है, और इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। कोई ज्यादती नहीं हुई है। हुई है, केस दाखिल होने पर हमें सब पता चल जाता है, और हम ऐसे ही न्याय दिलाने के लिए निकल जाते हैं। आपको जीजाबाई की बात मानकर बच्चा गोद लेना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहे पूरी दुनिया कहे कि मुझे बच्चा गोद लेना चाहिए, लेकिन मैं बच्चा गोद नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तो फिर आपका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो गलत हूं। ऐसे नहीं बात सकते। अरे क्या कर रहे आप? तुझे अभी जवाब देना ही होगा। अरे क्या कर रहे आप? तुझे अरे मेरी बात नहीं होगा। अरे मेरी छोड़ो, अरे छोड़ दो भैया, ये क्या कर रहे हो? Thank you.
बाबा। बस हो गया, हट जाइए सब यहां से, आप भी वहां जाकर खड़े हो जाइए। भैया आप ठीक तो है ना? उठिए बाबा, उठो, आइए, संभाल के आइए। राम जी आप सामाजिक अपराधी हैं, एक स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया है आपने। सामाजिक अपराधी? क्या आप में से कोई भी जानता भी है कि ये कौन है? ये वो रामजी सकपाल है जिनका ये मानना है कि पति पत्नी का रिश्ता दोस्त की तरह होना चाहिए। ये वो रामजी सकपाल है जिनके आदर्शों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में पूरा सातारा और ये सब चाल वाले जानते हैं। इनसे कोई सहमत असहमत हो सकता है, मगर इनके व्यवहारों पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये वो रामजी सकपाल है जो इन चाल वालों को कभी किसी बाहर के व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो सबसे पहले बचाने आ जाते हैं। ये वो रामजी सकपाल है जिन्होंने सिर्फ अपने बेटों को यह नहीं सिखाया कि हमारी जात के हर व्यक्ति को सर उठाकर जीना चाहिए, बल्कि अपनी बेटियों को भी स्वावलंबी होने की शिक्षा दी है। और ये रामजी सकपाल मेरे बाबा है। अब पता चला रामजी सकपाल कौन है तो निकल जाइए यहां से। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये चाहे जो रामजी सकपाल हो, मगर हम अपना काम करने आए हैं और काम करके ही जाएंगे। हाँ तो जी जी, आपको जो करना है वो कीजिए, मगर मेरे बाबा को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो आप में से एक एक को पुलिस थाने का रास्ता दिखाऊंगा मैं। जाइए यहां से। लेकिन हमें ये बताया गया है कि तुम भी इस मसले पर अपने बाबा के खिलाफ हो। खिलाफ? किसने बताया? हाँ, हमारे बीच में वैचारिक मतभेद है। वैचारिक स्तर पर मैं मेरे बाबा से सहमत असहमत हो सकता हूं, मगर ये भीमराव अपने बाबा के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो सकता। और खिलाफ खड़ा होना तो दूर की बात हो गई, ये भीमराव अपने बाबा के लिए जान दे सकता है। अब आएगा मजा। भीमराव, ये जो तख्ती लेकर के तुम्हारे बाप के पास वो आदमी गए हैं ना, वो मेरे आदमी हैं। मैं वकील जरा दूसरी तरह का हूं, जो कोर्ट के अंदर ही नहीं कोर्ट के बाहर भी लड़ता है। इस लड़ाई में तुम दोनों बाप बेटे घुट घुट के टूटोगे, बिखरोगे और तुम हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाओगे। मैं वो करूंगा। सुना आप लोगों ने मैंने क्या कहा? ये भीमराव अपने बाबा के लिए अपनी जान दे सकता है। निकल जाइए सब लोग यहां से। जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमारी संस्था जीजाबाई को उसका बच्चा वो दिलवा कर ही दम लेगी। देखिए, आप लोग को जो करना है ना वो कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन फिलहाल अभी और इसी वक्त बाहर निकल जाइए।
वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए बाबा, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। आइए आइए अंदर चले। रुक जाइए बाबा, ये मत समझिएगा कि आपके दोनों बेटों के कहने की वजह से ये जो लोग अभी गए हैं वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। बाबा मेरी बात मानिए तो, अगर आपको ये कोर्ट कचहरी सामाजिक संस्था इनके रोज के तमाशों से बचना है तो आई की बात मान लीजिए। बाबा अभी इस वक्त आपको किसी के भी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चलिए अंदर। भीम, जाइए, सब लोग अपना अपना काम कीजिए, जाइए। बाला भैया, कम से कम समय देखकर बोला कीजिए। क्यों, जब तुम्हें बाबा से शिकायत थी और तुम घर छोड़कर निकले थे वो समय सही था? और अगर मेरे बोलने से इतनी दिक्कत है ना आनंद, तो जाकर अपने छोटे भाई भीम से कहो कि मुझे मेरी पत्नी को यहां से ले जाने। बाला भैया वो मसला अलग है, और मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मसला अलग। अच्छा तो अब तुम भी मुझे समझाओगे? तुम्हें भी ऐसे लगने लगा है कि तुम अपने बड़े भाई से ज्यादा समझदार हो? नहीं बाला भैया। बस आनंद, और बहस मत करो, तो जाकर अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, जाओ यहां से। यहाँ बैठे हैं बाबा। मैं पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए पानी पीजिए। और परेशान मत होइए, हम सब है ना आपके साथ। ये वो रामजी सकपाल है जिनके आदर्शों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में पूरा सातारा और ये सब चाल वाले जानते हैं। इनसे कोई सहमत असहमत हो सकता है, मगर इनके व्यवहारों पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। और ये रामजी सकपाल मेरे बाबा है। खिलाफ खड़ा होना तो दूर की बात हो गई, ये भीमराव अपने बाबा के लिए जान दे सकता है। भीम बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, आज तक मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच था, लेकिन आज तुम मेरे सामने सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो गए। घर का
सबसे छोटा बेटा जब पिता के सामने ऐसे खड़ा हो जाए तो पिता की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती। नहीं बाबा, आपने शादी की है, उनके प्रति आपकी अभी भी जिम्मेदारियां हैं। भगोड़ा समझ ले, उन सारी जिम्मेदारियों से भगा हुआ एक भगोड़ा, और मैंने खुद को मान भी लिया है कि मैं भगोड़ा हूं। बेटा, आज तक मैंने मैंने खुद को कभी बुरा नहीं समझा, नहीं माना, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया बुढ़ा। अब मेरी जान भी चली जाए ना तो कोई अफसोस नहीं। बाबा ऐसा मत कहिए, बाबा आपको अफसोस हो या ना हो हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन सच बात है ना, मैं बूढ़ा हो गया। नहीं बाबा, अब पानी पी लीजिए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बेकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे सिस दे ही ले जाय, सिस दे ही ले जाय। जीजा भाई, ये सब तेरे कारण हो रहा है, इस सब की जिम्मेदार तू है। समय से पहले मेरे भैया को कमजोर बना दिया तूने। हम सबने बहुत कोशिश की कि तू सही राह पर आ जाए, हार गए, हम सब हार गए। चले जाने के बाद अब भैया थोड़े संभले हैं, अब वो थोड़े अच्छे हो रहे हैं, ये घर घर जैसा लग रहा है। चीचा भाई, मैं तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी, किसी भी हाल में तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी मैं। वकील रामजी और भीम अलग लड़ाई लड़ेंगे और एक लड़ाई मैं लड़ूंगी। चीचा भाई, एक लड़ाई मैं लड़ूंगी, मैं इस घर को और बर्बाद नहीं होने दूंगी।
मैं तुझे इस घर में कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी मैं तुझे इस घर में चिचा भाई।